नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस इज़ अबाउट शेल्फ अवेलेबिलिटी एक रिटेलर क्या करता है रिटेलर क्योंकि एरिए की कैलकुलेशन कर रहा है अपने स्टाफ की कैलकुलेशन कर रहा है वो कैलकुलेशन हर उस एस्पेक्ट की कर रहा है ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सके वहाँ दूसरी तरफ वो अपनी शेल्फ़ के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का एनालिसिस भी करता है बहुत की कॉम्पोनेंट है बिजनेस एनालिसिस के अंदर कि जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो कि शेल्फ के ऊपर अवेलेबिलिटी है उसका एनालिसिस करते हैं रिटेलर का टारगेट क्या है कि शेल्फ अवेलेबिलिटी को हंड्रेड परसेंट इन्श्योर करें क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर शेल्फ के ऊपर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए गया और प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल नहीं थी सो so अल्टीमेटली क्या होगा अल्टीमेटली ये होगा कि वो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होके डिसअपॉइंट होके स्टोर से चला जाएगा इसका मतलब ये है कि आपने कस्टमर को भी लॉस किया कस्टमर को भी डिसअपॉइंट किया और अल्टीमेटली आपने सेल्स को लॉस किया तो जितनी ज्यादा बेहतर शेल्फ अवेलेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी बिजनेस सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज करेंगे किस तरीके से एक रिटेलर शेल्फ अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करता है अब उस फॉर्मुलेशन की तरफ आते हैं उसको डिस्कस करते हैं ताकि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकें शेल्फ अवेलेबिलिटी का क्या फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स अवेलेबल ऑन शेल्फ कितने हैं नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्लान ऑन शेल्फ कितने हैं मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो एक रिटेलर ये कैलकुलेट करेगा कि मेरे पास शेल्फ़ के ऊपर कितने आर्टिकल्स थे जो कि प्लान थे कितने आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम के ऊपर शेल्फ़ के ऊपर मौजूद हैं और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास जो आउटकम होगा वो बताएगा कि शेल्फ की अवेलेबिलिटी कितनी है एक रिटेलर का टारगेट ये है कि वो हंड्रेड परसेंट शेल्फ़ अवेलेबिलिटी को अचीव करे क्योंकि जितनी ज़्यादा शेल्फ़ अवेलेबिलिटी जितनी बेहतर होगी ऑफकोर्स उतनी ही बेहतर उसका टर्न होगा उतना ही बेहतर उसके रिज़ल्ट होंगे तो रिटेलर इंश्योर करना चाहता है कि जितने आर्टिकल्स प्लान हुए हैं एक पर्टिकुलर शेल्फ के ऊपर उतने ही आर्टिकल्स वो अवेलेबल कराए उस शेल्फ के ऊपर इसीलिए जो स्टोर में स्टाफ काम कर रहा है उसका ये टारगेट होता है कि यू हैव टू इंश्योर आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन यू हैव टू इंश्योर मर्चेंडाइजिंग प्रॉपर रिप्लानिशमेंट ऑफ द आर्टिकल्स क्योंकि अगर ये होगा तो ऑफकोर्स शेल्फ अवेलेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी और बेहतर होती चली जाएगी हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टोर हैव प्लान टू प्लेस फिफ्टीन आर्टिकल्स ऑन शेल्फ और करेंटली ओनली थर्टीन आर्टिकल्स आर अवेलेबल ऑन शेल्फ फार्मूले के अंदर इन दोनों सिचुएशन को हम डालते हैं सो प्लैंड आर्टिकल्स ऑन द शेल्फ आर फिफ्टीन अवेलेबल आर्टिकल्स ऑन शेल्फ थर्टीन फार्मूले के अंदर हमने डाला तो थर्टीन डिवाइड बाई फिफ्टीन चोकि अवेलेबल आर्टिकल्स प्लान आर्टिकल्स थे मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो हमारे पास जो परसेंटेज आई दैट इज़ एटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट और एटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट ये शेल्फ अवेलेबिलिटी की परसेंटेज है विच मींस के एटी सिक्स परसेंट ऑफ़ दी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन शेल्फ़ और बाकी शेल्फ़ के ऊपर मौजूद नहीं है तो रिटेलर क्या टारगेट सेट करेगा कि मुझे कैसे इस एटी सिक्स को इनक्रीज़ करके नाइन्टी करना है इसको कैसे इनक्रीज़ करके नाइन्टी फाइव करना है और कैसे इसको इनक्रीज़ करके हंड्रेड परसेंट तक लेके जाना है क्योंकि ये हंड्रेड परसेंट ट्रांसलेट करेगा इंटू हंड्रेड परसेंट सेल्स रेवीन्यू एंड इंटू हंड्रेड परसेंट सक्सेस ऑफ दैट रिटेलर तो क्योंकि रिटेलर की एरिया कैल्कुलेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है तो एवरी स्क्यर फिट एरिया की प्रोडक्टिविटी और शेल्फ के ऊपर हर प्रोडक्ट की अवेलेबलिटी दोनों बातें की हैं क्योंकि ये रिजल्ट करेंगी ट्रांसलेट करेंगी किसी भी रिटेलर की एक्चुअली उसकी एफिशेंसी के हवाले से कि उसकी पर स्क्यर फिट जगह पर स्क्वायर फिट शेल्फ अवेलेबिलिटी एक्चुअली क्या उसको अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए रिजल्ट्स दे रही है तो रिटेलर का काम क्या है मैं इसको दोबारा बताने लगा हूँ कि रिटेलर को इंश्योर करना है कि वो हंड्रेड परसेंट शेल्फ़ अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे ताकि वो सेल्स रेवेन्यू को बेहतर तरीके से अचीव कर सके